जो हमारा डिमांड था, तो सीबीआई जांच की जहां तक बात है तो अध्यक्ष महोदय का इसमें कोई पावर नहीं है, सरकार के तरफ से इसमें किया जा सकता है। लेकिन रिजल्ट में जो बात हमने बताई, सुन लीजिए, सुनिए, रिजल्ट के बारे में सबसे पहले हम स्पेन का जिक्र किया, हमने स्पेन का जिक्र किया तो उन्होंने अपने सामने में पेन चलाया और मिटा के भी देखा, तो इसकी भी वो अपने स्तर से बोले कि हम इस पर करेंगे, कि हमने उन अधिकारियों का भी नाम बताया है जो इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो पीटी रिजल्ट में धांधली हुई है, जो बहुत सारे लोग का मार्क्स कम हो गया, इस मुद्दे पे भी हमने अपनी बात रखा और वो बोले हैं, अभी मेरे सामने में परीक्षा नियंत्रक को फ़ोन किए हैं और कल एक्सपर्ट टीम बैठेगी जिसमें इस पर विचार किया। हमने 9 क्वेश्चन पे आपत्ति जताया है तो सभी पे आंसर पे वो लोग विचार करेंगे। और हमने ये भी कहा है कि अगली बार से जैसे 68वीं का पीटी होगा तो आप जो फाइनल आंसर की रिजल्ट के बाद देते हैं तो रिजल्ट से पहले दे दीजिए फाइनल आंसर की, अगर उस पर भी किसी को आपत्ति होगा तो आके बता सके, ताकि बाद में रिजल्ट के बाद कोई गड़बड़ी ना हो। इस पर उन्होंने कहा है कि अगले एग्जाम से ये चीज़ करेंगे कि रिजल्ट से पहले फाइनल रिजल्ट दे, ये फाइनल मार्क्स, ये क्या बोलते हैं, आंसर की दे दिया जाएगा। अगर उस पर आप लोग को आपत्ति हो तो आप छात्र प्रतिनिधि के तौर पर आप भी चाहे तो एक्सपर्ट टीम से आके आप बहस कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है, हम इस चीज़ को चैलेंज को स्वीकार किए हैं कि अगर एक्सपर्ट टीम गलत आंसर देगी तो हम उस समय स्टूडेंट के प्रतिनिधि के रूप में हम आंसर को चैलेंज करने के लिए आएंगे। लेकिन अभी जो रिजल्ट की बात है तो उन्होंने दो चीज़ें कही, सुन लीजिए उन्होंने कहा है, दो चीज़ें कहा है कि हम पूरे आंसर को चेक करवाएंगे जितना क्वेश्चन पे आपत्ति किया गया है, अगर इसमें आंसर गलत होता है तो हमारे पास दो उपाय है, या तो जो पीटी पास किए हैं फिर से ये करेंगे तो उसमें से कुछ लोग बाहर भी हो सकते हैं और नया लोग आ सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम अतिरिक्त रिजल्ट दे दें, जो पीटी पास है वो पास ही रहे। तो हमने कहा कि मानवता यही कहता है कि जो पास कर गए उनको आप बाहर ना करें, नहीं तो फिर वो लोग फिर हम ही को खोजेंगे, हम ही को आंदोलन करना पड़ेगा, तो हमको मौका ना दीजिए आंदोलन का। तो इसलिए आप ऐसा रास्ता निकाले जैसे 53 से 55वीं में हुआ था, 4 कट ऑफ कम कर दिया, हमने ये रास्ता बताया है। तो कल एक्सपर्ट टीम बैठेगी, उसके अलावा BPSC मेंस 67वीं मेंस का डेट बढ़ाने की भी हमने बात रखी है, वो बोले हैं इस पर भी विचार करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम धन्यवाद देते हैं अध्यक्ष महोदय को कि उन्होंने बात किया लोकतांत्रिक तरीके से, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं, नहीं तो बगल में BPSSC चोर आयोग है जिसका अध्यक्ष आज तक किसी मीडिया से नहीं बात करता है। तो बाकी हमने इनके टीम के बारे में बताया कि सर आप नए हैं, लेकिन आपके टीम के जो लोग हैं, मैंने कुछ लोगों का नाम भी बताया कि जो लोग ये धांधली सेटिंग करवाते हैं और ये पेन उपलब्ध कराते हैं, तो वो बोले हैं कि हम अपने स्तर से इस पर करेंगे, बाकी तो सरकार कर सकती है, इनके पास ज़्यादा पावर नहीं है। तो हमने लोगों का नाम बताया, तो आप लोग और भी जो तरीका हो सकता है बताइए, लेकिन अभी फिलहाल इतना है कि कल एक्सपर्ट टीम बैठेगी मेरे सामने में, परीक्षा नियंत्रक रिजल्ट जारी होगा, निश्चित होगा, अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी हमने कहा कि एक नोटिस जारी कर दीजिए, तो उन्होंने कहा हम नोटिस जारी करें ना करें, लेकिन नोटिस जारी करें ना करें, लेकिन किसी न किसी रूप में ये बात चल जाएगा, हो सकता है कि वो मीडिया में बैठ दे या जो भी करे, लेकिन मेरे सामने में उन्होंने फ़ोन करके ये बताया है परीक्षा नियंत्रक को कि कल आप एक्सपर्ट टीम को बुलाइए, जिसमें हमसे पूछा गया कौन कौन क्वेश्चन पे आपत्ति है, ताकि उस सब्जेक्ट के टीचर को बुलाया जाए। तो ये बात हुई है, और CBI जांच, OMRC सब के बारे में हमने कहा है, सारी बातें हमने, देखिए ये बता रहे हैं आप, जैसे आप सार्वजनिक ही बोल देते, ये जो आप लोग बार बार सोशल साइट पे कर रहे हैं, सबसे पहले बता दे कि जो आयोग अगर सही करेगा ना तो हम सही बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, अगर धांधली करेगा तो हम हार जाएंगे, छोड़ेंगे भी नहीं। बात बन गई, बात अभी तक बन गई है, बाकी आयोग के तरफ से बात बन गई है, लेकिन सरकार के तरफ से अभी बात नहीं बनी, CBI जांच चाहिए तो सरकार करवाएगी। अगर हम यहाँ से चैलेंज कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी को और नीतीश कुमार जी को, अगर आपकी सरकार और आप ईमानदार हैं तो पूरे मामले की CBI जांच कराइए, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि CBI जांच सरकार करवा सकती है, केंद्र सरकार को CBI जांच के लिए भेजेगी, सिफारिश करेगी, तो सरकार CBI जांच कराए, क्योंकि आप देखिए पेपर लीक में क्या हुआ 12 जुलाई के बाद, जब हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं तो आज छापामारी हो रहा है किसी पे, 12 जुलाई के बाद आज, सोच लीजिए बीच में कितना गैप हो गया, तो कहीं ना कहीं सरकार संरक्षित ये प्रायोजित जो है भ्रष्टाचार, संस्थागत भ्रष्टाचार चल रहा है। और इसमें परीक्षा नियंत्रक को हटाने के मामले में क्या बातचीत हुई, हमने आयोग के अध्यक्ष महोदय को कहा, लेकिन हटाने का पावर तो उनको नहीं है, लेकिन हमने उनको आगाह किया कि आप ऐसे लोगों से दूर रहिए, इनके सजेशन को मत मानिए, अपने आप अपने बुद्धि विवेक से काम कीजिए। बाकी परीक्षा नियंत्रक को हटाने की मांग हम अभी भी कर रहे हैं, जो कि सरकार के तरफ से होगा, आयोग नहीं कर सकती है। लेकिन जहाँ तक आयोग की बात है तो अध्यक्ष महोदय ने इस आंदोलन का प्रभाव कहिए जो 31 अगस्त को हुआ, और हम धन्यवाद देते हैं बिहार के उन छात्र नौजवानों को
जो दिल्ली में भी आंदोलन किए, पटना में भी किए, और उसी इस आंदोलन के लिए उसी आंदोलन का आज असर है कि बीपीएससी के चेयरमैन ने एक्सेप्ट किया है कि गलतियां